बोल कलाकार सीताराम। प्यारे भक्तों, बहुत पुराने समय में इंग्लैंड का एक राजा हुआ था कैन्यूट। कैन्यूट राजा बड़ा प्रतापी बहादुर राजा था और भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था, बड़ा दानवीर दयालु राजा था। लोग उसके पास आते जाते रहते थे। उसके आसपास को चापलूसों की मंडली जम गई, जो दिनरात उसको देखते ही चापलूसी शुरू कर देते थे। महाराज, आप तो बहुत बलशाली हैं, आपके नाम से पृथ्वी हिलती है, आपके नाम से राजा सर झुका के निकलते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की उसकी बिना वजह तारीफ करते थे। एक दिन राजा के मन में आया कि वास्तव में मैं ऐसा हूँ या ये लोग वैसे ही मेरी तारीफ करते हैं, मुझे लोग चाहते क्या हैं। उन्होंने एक एक करके सबको बुलाना शुरू किया और सबसे पूछना शुरू किया, आप जो कह रहे हो कैसे सत्य है? अनेकों राजा बड़े बड़े बलशाली हैं, मैं छोटे से सूबे का राजा हूँ, लोग बड़े बड़े देशों के राजा हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चाहते क्या? लोग धीरे 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 उससे बचने लगे। कुछ समय के बाद फिर लोगों ने आपस में प्रजा ने सलाह किया कि राजा के पास भाई धीरे धीरे हमारा खर्चा कैसे चलेगा। फिर लोग धीरे धीरे चपकने लगे। राजा अपने नियमित कर्म करता, भगवान का ध्यान रखता, भगवान के मंदिरों में जाता, पूजा अर्चना करता, जो उसकी विधि विधान थे भगवान के बताए हुए, वो सब सनातन धर्म के आधार पर करता था। पहले बहुत बड़े भूभाग पर भारत का अखंड राज हुआ है, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भारतवर्ष के हुए हैं, उन्होंने पूरी पृथ्वी का राज किया है। धीरे 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 धर्म परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे सभी राज्यों में देशों में बढ़ते चले। राजा ने फिर चापलूस लगे, किसी के निर्णय में दखलंदाजी होने लगी। अरे साहब, भले ही वो जुर्मी है, अरे महाराज तो बहुत भला आदमी, अनजाने में हो गया होगा, चलो छोड़ो, इसे छुड़वा दिया, बड़े बड़े कसूरवारों को छुड़वा दिया। अपार और बिना कसूरवारों को फंसाने की कोशिशें की गई। राजा बड़ा विवेकी था, वो विवेक से काम लेता था, करता अपने मन की था, सुनता सबकी था। जब राजा को समय और काल बीत गया ऐसे ही, एक राजा के मूड में आया कि भाई ये चापलूसों से बचना चाहिए। वो चलता फिरता फिर सेना को टुकड़ी को लेकर चला, एक समुद्र के किनारे जाके उसने कुर्सी डलवा दी लहरों के पास। और धीरे धीरे समुद्र में उबाल आता है तो गिरता है, जल उठता है, गिरता है, उठता है, जलता है, बढ़ता हुआ समुद्र आगे बढ़ा, कुर्सी के नज़दीक वो जला गया। राजा ने कुर्सी पर से पैर मारा, अरे जल तू मुझे क्यों घेर रहा है, मैं बहुत बलशाली हूँ, तू मुझे छोड़ कर भाग जा, ये जल कहाँ जाने वाला है, वरुण देव किसे डरने वाले हैं मनुष्य से। जब उसने नजदीक वाले एक चापलूस को बुलाया, वो तुम तो कहते हो तुमसे पृथ्वी कांपती है, मैं तो जल भी नहीं मान रहा है, अब तुमने किससे सुना, कैसे देखा, कैसे बोला तुमने तुमसे पृथ्वी कांपती है। दूसरे को तीसरे को बुलाया अपने पास, सबको डांटा, बोले ये ऐसा कभी नहीं। उस दिन से राजा ने अपना मुकुट उतार के भगवान के चरणों में रख दिया कि महाराज ये मुकुट के कारण ही मेरी चापलूसी कर रहे हैं, आपके ध्यान से मुझे भटका रहे, अन्यथा आपका दिया हुआ शास्त्र नियम राज पद्धति नीति पद्धतियों के साथ धर्म पद्धति सब विभाजित आपने किए हैं, सबके धर्म अपने अपने आचार पर चलते, मुझे इस न्याय की जरूरत नहीं, सिंहासन ये आसन सब ये मुकुट आपका है और मुझे उसी से संन्यास लेकर भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। मेरे कहने का आशय यह है कि चापलूसों से बचता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, अनेकों अनेक प्रकार के मानस रूप में, गुण रूप में, शरीर के अंदर ही बहुत से विकार चापलूस बने हुए हमारे, जिनके आधार पर हम बेचैन वश में डूबे हुए हैं, उन सबको त्यागते हुए भगवान के चरणों में अनन्य ध्यान किया जाए, यही हमारे मूल जीवन का कल्याण है। बोल कलाकार सीताराम।